आइए मोर कुटी के अन्य क्षेत्र की सेवा का दर्शन कराते हैं कि कैसे पूज्य महाराज जी खुद स्वयं सेवा में लगे रहते हैं। पूज्य परमेश्वर दास महाराज जी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर जो मोरकुटी के हैं उनके सानिध्य में ये सारी सेवाएं चलती रहती है। भक्तगढ़ संतगढ़ लगातार अनवरत सेवा में लगे रहते हैं। आज पावन पुनीत दिन है और ऐसे में सेवा आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद बन रहा है, प्रसाद की तैयारियां चल रही हैं, चूल्हे पे आज भी प्रसाद बनता है मोरकुटी में। ये आप सब देखिए कि लगातार जो है चूल्हे पे ही प्रसाद की तैयारियां होती है। बड़े बड़े आश्रमों में जहाँ पर गैस सिलेंडर और गैस का काम है वहां पर आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे प्रसाद की तैयारी हो रही है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो गौशाला के महंत हरिओम बाबा जी लगातार सेवा में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, हरिओम बाबा और पायलट बाबा। यहाँ आप देखेंगे यह प्रसाद की तैयारी है, हरिओम बाबा जी से बातचीत भी करते हैं। आज मुझे लग रहा है कि सब्जी की प्रसाद की अलग से तैयारी है और आज पावन दिन है, देवोत्थान एकादशी का वो पावन दिन है जहाँ पर सेवा चलती रहती है। तो खुद स्वयं ही महाराज जी जो है जुट जाते हैं, चाहे गौ सेवा हो, चाहे संतों की सेवा के लिए प्रसाद वितरण की सेवा हो, चाहे रोटी बनानी हो, तो उसके लिए महाराज जी का ये कहना है कि अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे साथ जो संत भक्त गए वो कैसे सेवा करेंगे। तो हमको सेवा में जुटना चाहिए साथ में जी। तो आज क्या क्या तैयारी है प्रसाद में महाराज जी? बोलिए, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। आज एकादशी है, देव उठने एकादशी है, आज फलाहारी प्रसाद बनेगा। ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये आलू की जी खिचड़ी बनेगी और कुछ गड्ढे की साग भी बनाई जाएगी जी। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर आज भी चूल्हे पर बनता है प्रसाद, प्रसाद की तैयारी ज्यादा अधिकतर चूल्हे का प्रयोग होता है। अधिकतर नहीं, मोरकुटी आश्रम श्री धाम वृंदावन में रोटी चूल्हे पे ही सिद्ध होती है। अब तो मशीन आ गई, ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो मशीन पे बनाते हैं, ये मशीन रखी जैसे कि, और नंतर चूल्हे पे ही दूध गर्म होता है, चूल्हे पे ही साग बनती है, चूल्हे पे ही खीर पीताम्बरी महाप्रसाद ये सब अधिकतर चूल्हे का ही इस्तेमाल किया जाता है जी। एक चीज देखने को मिलती है कि चाहे गुरुदेव महाराज जी हो, चाहे आप हो, सब आप सब स्वयं सेवा में लग जाते हैं, जो बहुत कम आश्रमों में देखने को मिलती है। आप सब मतलब प्राण प्रण से लग जाते हैं। ये तो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हमारे जितने भी गुरु भाई हैं सबको ये सिखा रखा है कि भाई बिना सेवा करें कोई भी नहीं बैठेगा, सेवा करना अनिवार्य है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान सेवा करते हैं तो हम लोग भी करते हैं जी। और हम सब संतों को अपने सनातन धर्म में ही ये लिखा है कि संतों को सेवा करके ही भक्तों की सेवा करना चाहिए और जी। संतों की सेवा करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए, स्वयं अपने हाथ से बैठ के नहीं खाना चाहिए किसी संत को जी। चाहे वो कुछ भी गौ सेवा करे, चाहे संत सेवा करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन बैठ कर किसी संत को पाने का अधिकार नहीं है। अगर वो किसी भक्त से लाता है या भक्त उसको दे जाता है तो उसका धर्म जो बनता है उसका भजन पूजन करे, गौ माता की सेवा करे, संतों की सेवा करे। ये नहीं कि वो पैसा रख के या बैंक भर के बैठ जाए, संतों की सेवा करना अनिवार्य है, गौ माता की सेवा करना भी अनिवार्य जी। यहाँ पर महाराज जी ये देखते हैं कि सेवा का ही प्रभाव है, चाहे मक्खन बाबा जी हो, लाल बाबा जी हो, 80-90 वर्ष के हैं और तब भी अनवरत चलते रहते हैं, तो ये मुझे लगता है सेवा की ही शक्ति है। घर में अगर होते तो मुझे लगता है कि चारपाई पे बैठ जाते, बिस्तर पे लग जाते, घर होते तो जी अभी तक मर जाते। वो तो ये हमारे गुरुदेव भगवान उनको माल खिलाते रहते हैं, संतों की सेवा यहाँ चलती है तो कभी खीर लो, कभी रबड़ी लो, कुछ ना कुछ माने चलता ही रहता है। तो ये सेवा का ही फल है कि वो कुछ सेवा भी करते हैं स्वयं अपने हाथों से तो उनके हाथ पैर भी चलते रहते हैं और भोजन प्रसादी की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो आनंद है। वो 100 कोई 10 साल का हो गया, कोई 100 साल का हो गया। हमारे श्री देवराहा बाबा परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, उनकी तो किसी ने उम्र का अनुमान ही नहीं लगा पाया। ये मोरकुटी आश्रम श्री देवराहा बाबा का ही स्थान है, हमारे गुरुदेव देवराहा बाबा की चौथी पीढ़ी में है जी। तो एक ही ये देखा है कि सेवा एक ऐसा है कि जो परोपकार तो देती देती है कि परोपकार हो जाता है, लेकिन एक दवा का भी काम है कि आपका शरीर चलता रहेगा, आप चलायमान होंगे और आप स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपने देखा कि डॉक्टर कहते हैं कि दवा को खाओ, दवा खाओ, तो दवा और दवा दोनों साथ साथ लगती हैं जी। कोई भी भक्त हो या संत हो, वो सेवा कर रहा है या दान दे रहा है, प्रार्थना उसके साथ है जी, उसकी जो सब संत भगवान प्रसाद पाएंगे या कोई भक्त प्रसाद पाएगा तो उन सबकी दुआ उनको लगेगी और वो स्वस्थ रहेंगे जी। उनके बच्चे हैं जो गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और अच्छे संस्कार बच्चों में भी घुसेंगे। दान करने से संतान पर असर पड़ता है, वो देखते रहते हैं ना कि हमारे माँ बाप
सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, गौ की सेवा कर रहे हैं, श्री वृंदावन धाम जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, चित्रकूट जा रहा है, तो उनकी संतान भी वैसी होती है, वो संस्कारी हो जाती है। तो हर भक्त को ध्यान देना चाहिए, वो चाहे पैसा कम कमा ले, घूमना फिरना कम हो जाए उसका, लेकिन उसके बच्चे संस्कारी होना बहुत अनिवार्य है। सनातन धर्म में उनके बच्चों को पहुंचाना सिखाना ये बहुत जरूरी हो गया है। आज देखिए हमारे योगी जी मोदी जी इन दो ने ही पूरे देश में संभाल रखा है। मोदी योगी जैसा आज तक हुआ ही नहीं। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हमने देखते आए हैं कि कितना अत्याचार हुआ है, संतों पे हुआ, हिंदुओं पे हुआ। अब मस्जिद अपना जब राम मंदिर टूटा, हाँ तो वहाँ बताते हैं गोली चलाई गई थी, हमको तो नहीं ध्यान है, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि वहाँ संतों पे गोली चलाई गई, ये यहाँ कहाँ गौ माता पे भी गोली चलवाई थी। तो ये सब कांग्रेस ही के राज में हुआ है। आज मोदी और योगी की वजह से सब संतों का सम्मान हो रहा है, भक्तों को भी अपनी माता बहनें खूब खुलेआम रात दिन कहीं भी जाएं कोई किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे यूपी तो ये समझ लो कि बहुत कुछ सुधर गया जी जी। हाँ भगवान चाहे योगी जी को हमारी उम्र लग जाए और योगी जी बहुत लंबे साल तक चले और राज करें। तो एक मतलब संत अगर कहीं राजसत्ता पे भी बैठ जाते हैं तो राजसत्ता को भी बहुत भक्ति भाव से चलाते हैं। देखो राजसत्ता चाहे संत हो चाहे राजा हो, इनके अंदर सनातनी धर्म और बुद्धि विवेक दोनों होना चाहिए। तो हमारे और हमारे योगी जी की तो कोई संतान तो है नहीं योगी जी की कोई संतान तो है नहीं, तो उनकी जो संतान है वो सब उनकी प्रजा है, प्रजा है, जनता है, तो ये संतान की तरह सेवा करते जी। तो ऐसा राजा होना हर देश में होना चाहिए, भारत में नहीं, हर देश में ऐसा राजा होना चाहिए जो प्रजा की सेवा करे जी। तो महाराज जी ने ये बताया है कि अगर ऐसा राजा हो जो प्रजा की सेवा करे और प्रजा को अपने बच्चों और संतान की तरह माने, तो उसी तरह से अगर संत कहीं पर भी बैठते हैं, देश की गद्दी पर भी बैठते हैं, तो वो उसी भाव से भक्ति से सेवा करते हैं और इसीलिए हमारा देश, हमारा राष्ट्र आज खुशहाल है और समृद्धि की स्थिति में है। अगर आप सबको दवा से दूर होना है, जो दवाएं खाने लगते हैं 40-50 की उम्र में, तो हरिओम बाबा जी ने बताया है उस दवा की को दूर करने के लिए कि आप सेवा करते रहिए। आप सेवा करेंगे तो दवा से दूर रहेंगे और अगर आप आराम करेंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे दवा का आदि हो जाएगा और आप भी बार अस्वस्थ पड़ जाएंगे। तो आइए एक बार फिर सब भक्तों का, संतों का दर्शन करें और उसी के साथ जय जयकार करें गुरुदेव महाराज जी का कि जिनके सानिध्य में ये अनवरत सेवा चलती रहे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय।